देखो, अगर बात यहां तक आ चुकी है तो जरूर कोई वजह होगी। क्या बात हो गई भैया, क्या चल रहा है? मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, फिर चाहे सीएम की मीटिंग हो या पीएम की। आई विल टेक एक्शन। भैया वाई आर यू सो सीरियस? भैया यू नो वाई? मुझे पहले ही नहीं पसंद भैया। मीनू ने मुझे बताया है कि तुम उसके साथ कपल्स थेरेपी पे नहीं जाना चाहते। मैं अभी भी आपकी बात समझा नहीं भैया। यही मसला है तुम्हारा कि तुम कोई बात समझते ही नहीं हो, इसीलिए मीनू थेरेपिस्ट ढूंढ रही है और मुझे टेक्स कर रही है। तो भैया अगर मैं नहीं जाना चाह रहा तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इट्स ऑल माय राइट। हमें राइट्स मत सिखाओ। अगर तुम्हें वहां जाने से मसला है तो मेरी एक कॉल पर चार थेरेपिस्ट तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। अरे भाई 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 भाई, मीनू को बुलाओ। आई विल स्पीक टू हर। जी मीनू, तुमने भैया को जाके बता दिया हम थेरेपी पर नहीं जा रहे। आर यू इन योर सेंसेस? तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तंग हो रही हूँ और मैं सही फील नहीं कर रही हूँ, भैया को ही बताऊंगी ना। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। मीनू मैं इतना कुछ कर तो रहा हूँ ऑलरेडी, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या करें आप मेरे लिए? तुम वो छोड़ो। मीनू लिसन टू मी, वी कैन रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स आवरसेल्व्स। ये भैया का लांचा कहाँ से बीच में आ गया? ऊपर से पॉलिटिशियन आदमी है, 24 घंटे उसका टेम्परेचर हाई रहता है। तो मतलब हम जा रहे हैं थेरेपी? नो, ये मशवरा तुम्हें किसने दिया? टीएम ने। आई न्यू इट। टीएम व्हाट? खैर, ऑल आई एम सेइंग इज कि जाके भैया को बताओ कि हम अपने मसले खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपसे विनती है कि प्लीज अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाइए। एक्सक्यूज मी, ये सब आप पहले नहीं कह सकते थे? कम ऑन यार, प्लीज। भैया 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 भैया, मैंने पूछा मीनू से, उसको किसी उसकी ही जैसी दोस्त ने कहा कि तुम बोर हो रही हो तो थेरेपी पे चली जाओ, और इसने मुझे भी साथ तैयार कर लिया। उसने तुमसे ये कहा अभी? जी जी हाँ, वो एक्चुअली डीएम एडवाइज्ड मी फॉर थेरेपी सेशंस। इतनी पॉलिटिक्स तो मुझे भी आती है बच्चों। ये अंदर तुमसे क्या कह रहा था? Nothing. It's just that I realized kids. तुम रहने दो, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ इससे। This is not fair, Shahid bhai. You cannot interfere in a personal space. ये मेरी responsibility है कि मैं अपनी बहन की help करूँ, खास तौर पे तब जब वो खुद call करके मुझे बुलाए। इसका मतलब आपको अपनी बहन पे trust ही नहीं है? क्या बात कर रहे हैं यार? ये तुम मुझसे किस tone में बात कर रहे हो? उसी tone में जिसमें करनी चाहिए। भैया आप मेरे साथ अंदर आएं। I want to talk to you. Come on. भैया आई थिंक अभी ठीक कह रहा है वो। असल में ना कुछ दिनों पहले ये बात तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? जो मुझे थोड़ी ना पता था कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा। डीएम की बच्ची, मैं आपको बताती हूँ। A few days ago, I was bored, so I called her. मैंने उसे कहा यार ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है करने को। She's like, you should try something new. And then I said, मैं क्या ही ट्राई करूँगी यार, ऑफिस घर ऑफिस घर। And then she suggested कि तुम लोग कपल्स थेरेपी पे चले जाओ। वाह, मीनू मेरे पास लोगों को देने के लिए 10 मिनट नहीं होते, और मैं सुबह से 3 मीटिंग्स कैंसिल करके यहाँ बैठ के तुम्हारी बेतुकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा ना भैया, आई एम सॉरी। द थिंग इज देन व्हेन आई टुक द प्रोपोजिशन टू अबी, ही डिक्लाइंड। और फिर उसी वक्त ही आपकी कॉल आ गई।
और फिर मैंने सब कुछ आपको बोल दिया। Honestly बताओ, तुम खुश हो ना यहाँ? Yeah, we are happy here. कैसे? ये रूम देखो, इतने अरसे में यहाँ एक दरवाजा नहीं लगा सका। क्या नाम है? इब्राहिम। तुम कह रही हो खुश हो तुम? भैया, it's not all about survival. हम साथ हैं, खुश हैं, काफी। और वैसे भी इब्राहिम does love me. तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे जरा सी भिनक भी पड़ी ना, मीनू तुम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बहन हो और तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा तो मेरे प्यारे पॉलिटिशियन भैया, दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल इट, क्या कहते हैं, अ सियासी बैठक। ये घर का मामला है, इस घर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ भाई, कुछ सॉर्ट हुआ? हाँ, फोन मत करो अपना, वी हैव टू टॉक टू यू। जी फरमाइए भैया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये और इसकी दोस्त, इनका तो रोज़ा कुछ ना कुछ चलता ही रहता। हाँ, मीनू से बात हो गई थी, वो मामला क्लियर हो गया है। बट जिस टोन में तुमने मुझसे आज बात की है, तुम्हें उसके लिए सॉरी करना पड़ेगा। कौन सी टोन भाई, सॉरी तो आपको बोलना चाहिए। मीनू, आज तुमने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा देखें भैया, बहनों के घरों में अक्सर ये सिचुएशन आती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैं बस मीनू को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ। वो तो मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हम दोनों को थोड़ा सिचुएशन हैंडल करने का मार्जिन दें। अच्छा चले, मैं सॉरी करता हूँ मीनू के लिए। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर कभी इसका मूड हो थेरेपी जाने का तो चले जाना, मैं रोज रोज आके तुम लोगों के मसाइल नहीं हल करवा सकता। नहीं भाई, डोंट वरी, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हो सकता है कि अगले थेरेपी सेशन पे आप हमें साथ मिले। ओह माय गॉड, Meenu and her high-pitched dialogues. Wow. Very funny. So I can't believe he was reacting about therapy this way, na? तुम्हें पता भी उसने कहा क्या? क्या? Well, your goat brother thinks कि a girl can only be happy if she has a richy rich man. वैसे he is right though. What? Just kidding. I know. एक relationship का safeguard commitment होता है. वैसा नहीं. I really appreciate that, ma'am. God, but I'm so done with his ideas of therapy. You. और मुझे लगता है कि जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, उनको पता लग चुका है कि थेरेपी की जरूरत किसको है। What did you just say? कुछ नहीं, वैसे ही मैं अपने आप से बातें कर रहा था। You're fine. I'd better be. नाशपाती, फ्रेश पिक, गारंटीड। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ।